ये अच्छा शॉट खेला, गेंद बल्ले की लपेट में आ गई। स्पिनर जैसा सलूक किया हुसैन तलत ने फुल टॉस के साथ, और चार रन के साथ 100 रन भी मुकम्मल हुए गनी इंस्टीट्यूट के। विद द विंड उन्होंने शॉट खेला और यह हवा ले गई इस गेंद को मैदान के बाहर। बहुत ही जोरदार छक्का था हुसैन तलत का, उन्हें हवा का फायदा हुआ। ये अच्छा शॉट खेला, इसको ड्राइव किया, गेंद बिल्कुल जमीन से लगी लगी गई। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हुसैन तलत जो 30 के पेटे में पहुंच गए। यहाँ विकेट गिर गई है एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर की, हुसैन तलत को जाना होगा। और क्या ये नो बॉल तो नहीं थी, अंपायर जो है वो अभी मुतमईन नहीं है। और यहाँ पर वो बच जाएंगे, फैसला आने को है बड़ी स्क्रीन पर। और जी हाँ, और इसके साथ ही उन्हें मिलेगी फ्री हिट भी। सोरवान बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट, ये इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का है हुसैन तलत के बल्ले से आते हुए। बहुत ही शानदार शॉट, ये कड़ाकेदार शॉट था, ये तगड़ा शॉट था। इसे स्लाइस कर दिया थर्ड मैन के सर के ऊपर से, गेंद स्किड होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। इस मरतबा विकेटों के दरमियान लो फुल टॉस और काउ कॉर्नर पे चार रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। महंगा ओवर काशिफ का और जबरदस्त स्ट्रोक हुसैन तलत का। हुसैन तलत ने घुमा दिया एक मरतबा फिर, अच्छी बैट स्विंग और अच्छी आवाज आई और रिजल्ट भी बहुत ही शानदार। या दोनों बैटर्स जो हैं अब छक्कों में डील कर रहे हैं। और बोल्ड हो गए, फौरी बदला लिया अरशद इकबाल ने, थोड़ी सी रफ्तार में रद्दो बदल की और हुसैन तलत एक मरतबा फिर अपना स्ट्रोक रिपीट करना चाह रहे थे, इस मरतबा अपने विकेटों से हाथ धो बैठे। क्या ऐसा ही होता है जब क्वालिटी मीट्स क्वालिटी, थोड़ा इनटू द पिच बॉल किया, थोड़ा कटर करने की कोशिश की। हुसैन तलत एक बार फिर जोरदार हिट मारना चाहते थे, इनसाइड एज हुआ और बोल्ड हो गए। हुसैन तलत की जानिब से टाइमली इनिंग, बड़े मैच के अंदर 56 रन बनाए 35 बॉलों पे और जीआईसी अब 162 पर 5।